हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू आपका अपना चाइना शेपर्स एडुकेशन। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए मोहित तापड़िया। थोड़ी सी आज आपको मेरी आवाज़ में शायद दिक्कत आ सकती है यार, पिछले 7-8 दिन से थोड़ा ज़्यादा बीमार था, इसलिए मैं आप लोग तक नहीं पहुंच पाया था, राइट? बट अगेन नाउ आई एम फीलिंग गुड एंड कूल, राइट? सो हम लोग वापस से आ गए यहाँ पे, और हम लोग अभी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है स्पेसिफिकली आईएससी वाले बच्चों के लिए। मैंने कहा था, मेरा इस चैनल का बनाने का मेन मोटिव था टू सर्व दोज हु आर अंडरसर्व्ड, राइट? या ऐसे लोगों को, ऐसे क्राउड को सर्व करना जिसके लिए यूट्यूब पे कंटेंट बहुत कम है। इसलिए सबसे पहले हमने टारगेट किया था गुजरात बोर्ड। हमने गुजरात बोर्ड के करीबन करीबन 50 वीडियोज डाले 11th और 12th स्टैंडर्ड के, राइट? अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वापस आज से वापस से सिलसिला चालू हो गया है। अब हमने साथ साथ में आईएससी का जिम्मा भी ले लिया, राइट? सो आईएससी स्टूडेंट्स, यू पीपल आर डैम लकी राइट नाउ, बिकॉज आर टीम हैज ऑलवेज बीन द बेस्ट इन वॉट एवर द वर्क वी हैव डन, राइट? सो नाउ आर जॉब हैज स्टार्टेड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, ओके? हम लोग 12th आईएससी के इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि 12th आईएससी में इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है, राइट इनफ? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर जॉब, राइट इनफ? हम अपने काम पे लग जाएंगे, ओके? गाइज, यू ऑल नो यू हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ चैप्टर्स इन आईएससी, राइट? यू हैव 20 चैप्टर्स जितना बड़ा हमारा आईएससी का इकोनॉमिक्स है, जिसमें से इनिशियल कुछ चैप्टर करीबन करीबन 10 से 11 चैप्टर्स माइक्रो के हैं, उसके बाद के सारे चैप्टर्स हमारे लिए मैक्रो के होंगे। हम पूरा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको सारे के सारे लेक्चर्स यहीं पे डिलीवर करूंगा, फ्री में डिलीवर करूंगा, कोई भी कॉन्टेंट पेड नहीं होगा, आप आराम से उस कॉन्टेंट को एंजॉय कीजिए। आई प्रॉमिस यू दैट एवरी पर्टिकुलर टीचिंग विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ दैट वुड बी कम्प्लीटली परफेक्ट एंड विदाउट एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस, राइट? माई टीचिंग वुड बी फ्लॉलेस, आपको बहुत मजा आएगी। देन टू इन मिड ऑफ माई टीचिंग, इन मिड ऑफ दैट वीडियो, इफ यू फील लाइक क्वेश्चनिंग समथिंग, देन यू हैव अ ग्रेटेस्ट वेपन, राइट? यू हैव दिस कॉमेंट सेक्शन, यूज दैट पर्टिकुलर कॉमेंट सेक्शन, आस्क सर्टन अमाउंट ऑफ गुड क्वेश्चंस टू अस। आई प्रॉमिस यू कि मैं आपके सारे के सारे कॉमेंट्स के आंसर्स भी आपको दूंगा, राइट इनफ? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड। फर्स्ट इज वेरी बोरिंग एंड यूजुअल चैप्टर्स, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर यू पीपल हैव डन विद द सेम, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर सेकंड टुडे। द नेम ऑफ द चैप्टर वुड बी डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, राइट बच्चा? सो आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ 12th आईएससी स्पेसिफिक, ठीक ठाक है? चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक पे। So yes, we shall start with our job of the day, and we are going to start with chapter number second of your subject of your book, that is all about demand and law of demand. चलिए start करेंगे पढ़ना। सबसे पहले बात करते हैं, what is the basic meaning of demand? भैया demand का basic meaning क्या होता है? So in textual language, आपको definition में ऐसे लिखना रहेगा, demand for a commodity refers to the quantity of commodity which a consumer are willing and able to purchase, right? दो important words है यहाँ पे, which consumers are विलिंग, सबसे पहले तो कंज्यूमर्स की इच्छा होनी चाहिए, साथ साथ में एबल टू परचेज, उनको खरीदने के उनकी परचेजिंग पावर होनी चाहिए, दे मस्ट बी हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ परचेजिंग कैपेसिटी, राइट? एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, देयर वुड बी मेनी अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, देयर वुड बी डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइमिंग, बट उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में अगर एक कंज्यूमर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी खरीदने को तैयार है और उसके लिए उस कमोडिटी खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी है, तो कहा जाता है दैट ही इज क्रिएटिंग अ डिमांड। सो इसलिए मैंने यहाँ पे तीन वर्ड्स में समराइज किया है कि डिमांड के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला विलिंगनेस का होना जरूरी है भैया, इच्छा का होना जरूरी है, अगर आपको इच्छा नहीं होगी तो डिमांड क्रिएट होगा ही नहीं, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज विलिंगनेस। व्हाट इज द सेकंड वन इज परचेसिंग पावर, राइट? यू मस्ट बी हैविंग पावर टू परचेस दोस पर्टिकुलर कमोडिटीज व्हिच यू डिजायर, राइट? So, जो भी पर्टिकुलर कमोडिटी यू आर डिजायरिंग राइट नाउ, यू मस्ट बी हैविंग कैपेसिटी ऑफ बाइंग दोस पर्टिकुलर कमोडिटी, दैट इज द सेकंड बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्रिएशन ऑफ डिमांड। एंड द लास्ट वन इज द टाइम एंड प्लेस मस्ट बी प्रॉपर, देयर मस्ट बी प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, द टाइम एंड प्लेस मस्ट बी परफेक्ट एंड फाइन, बहुत परफेक्ट टाइमिंग एंड प्लेस होना चाहिए, अगर टाइम या प्लेस प्रॉपर नहीं होगा तो भी डिमांड क्रिएट नहीं होगी। इन शॉर्ट, फॉर क्रिएशन ऑफ डिमांड ऑल दीज थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ऑल दीज थ्री फैक्टर्स मस्ट बी देयर, तो ही डिमांड क्रिएट होगी, वरना नहीं होगी। आई कैन एलाबोरेट फॉर यू पीपल, यस ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू एलाबोरेट। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे इनमें से कोई भी एक फैक्टर भी अगर मिस रहेगा तो उसे डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगी। सो फॉर क्रिएटिंग क्रिएशन ऑफ डिमांड आपको तीनों चीजें चाहिएगी। चलिए टेक एन एग्जांपल, राइट? वी विल टेक एन एग्जांपल फॉर द सेम। सपोज बात करते हैं मेरी, ओके फाइन, मुझे जैगुआर हमेशा से बहुत पसंद है। मैंने हमेशा से सोच रखा था कि जब भी मेरी पहली कार होगी तो आइदर इट विल बी जैगुआर और मर्सिडीज बेंज, राइट? चलिए आज हम बात करते हैं जैगुआर की, फाइन। सो अब
जैगवार खरीदने की मेरी विलिंगनेस है? यस ऑफ कोर्स है, आई लव जैगवार, फाइन। सो भैया विलिंगनेस है। सेकेंड थिंग, डू आई हैव परचेसिंग पावर फॉर द सेम? भैया बहुत पैसा है, पैसे की कहाँ कमी? ऑफ कोर्स आई हैव द परचेसिंग पावर टू परचेज दैट पर्टिकुलर कार ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल, आई एम हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। बट अभी जो टाइम और प्लेस है ना वो परफेक्ट नहीं है, अभी जो मुहूर्त वहूर्त है ना वो अच्छा नहीं है, वो मलवल का महीना होता है या कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसा महीना है इन विच इन दैट पर्टिकुलर मंथ माई फैमिली इज नॉट गोइंग टू अलाउ मी टू परचेज अ न्यू कार, राइट? सो दैट टाइम एंड प्लेस इज नॉट परफेक्ट। सो वॉट डू इट फील बच्चा, डिमांड होगी? नहीं होगी सर, डिमांड नहीं होगी। सेकेंड सिचुएशन पे जाते हैं, भैया मुझे जगुआर बहुत पसंद है, राइट? टाइम प्लेस सब परफेक्ट है, बट भैया लॉकडाउन लगा हुआ है, काम धंधे बंदे, पैसे कहाँ से लाएंगे? वी डोंट हैव परचेसिंग पावर फॉर द सेम, वी डोंट हैव परचेसिंग पावर। तो क्या यहाँ पर डिमांड क्रिएट होगी? सर जी कोई हालत में नहीं होगी। एंड द लास्ट वन, चलिए टाइम भी परफेक्ट है, भैया पैसा भी बहुत है, बट मुझे जैगवार पसंद ही नहीं है, आई डोंट लाइक जैगवार, आई डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर कार। तो क्या डिमांड क्रिएट होगी? नहीं होगी। इन शॉर्ट, फॉर क्रिएशन ऑफ डिमांड वी नीड ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स, वी नीड विलिंगनेस, वी नीड परचेसिंग पावर एंड वी नीड अ परफेक्ट टाइमिंग एंड प्लेस, राइट इनफ? अगर ये तीनों चीजें होगी तो ही वहां डिमांड क्रिएट होगा, वरना डिमांड क्रिएट होने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चा? सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया एक छोटा सा सिंपल सा चैप्टर जिसका नाम था डिमांड, राइट? और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, चैप्टर मेरा खत्म जब होगा ना उसके साथ साथ आपका खत्म होगा, दैट्स 100% फॉर श्योर। आई एम गोइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर टॉपिक सो सिंपल दैट ऑनेस्टली सूनर और लेटर यू विल लव इकोनॉमिक्स, राइट बच्चा? चलिए आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक पे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, एग्जाम में बहुत बार 1-1, 2-2 मार्क में ये पूछा गया है। स्टार्टिंग विद द वेरी वेरी फर्स्ट वन, टाइप ऑफ डिमांड में सबसे पहला है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। भैया नाम चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, इंडिविजुअल डिमांड मीन्स डिमांड क्रिएटेड बाय सिंगल इंडिविजुअल, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, और सिंगल फैमिली और ग्रुप ऑफ पर्संस, देन दैट इज एन इंडिविजुअल डिमांड। बट मार्केट डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ द होल मार्केट, डिमांड फॉर द होल पर्टिकुलर सोसाइटी और होल कम्युनिटी, देन दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज मार्केट डिमांड। सो इंडिविजुअल डिमांड में सिंगल आदमी की या सिंगल परिवार की डिमांड होगी, जबकि मार्केट डिमांड में बहुत सारे इंडिविजुअल्स की और बहुत सारे फैमिलीज की डिमांड को अक्यूमुलेट किया जाता है, तो उसे कहा जाता है मार्केट डिमांड, योर फर्स्ट टाइप। सेकेंड वन, एक्स एंटे एक्स पोस्ट, एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड डिमांड, एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पे, एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड डिमांड और एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल डिमांड। मतलब भैया हमने कितना सोचा था और हम सच में कितना लेके आते हैं। नॉर्मली हमारे साथ ऐसा होता ही है, स्पेसिफिकली इफ यू आर गर्ल, आपके साथ तो बहुत बार होता होगा, राइट? हम घर से निकलते ये बोल के कि मम्मी बस एक जीन्स एक टॉप लेके आना है, राइट? हम एक जीन्स एक टॉप लेने की पूरी इच्छा बना के घर से निकलते हैं, फाइन। सो हमारा यहाँ पे एक्स एंटे डिमांड कितनी है? वन जीन्स वन टॉप, राइट? आगे बढ़ते हैं, हम मॉल में पहुंचे, हमने देखा भैया यहाँ तो सेल लगी है। क्या सेल लगी है? एक पे एक फ्री, उस पर भी 50% ऑफ, फलाना ये डिस्काउंट कार्ड का ऑफर, फलाना वो ऑफर। सो हमको लगा यार ये तो नाइंसाफी है, अगर मैं आज एक जीन्स और एक टी शर्ट लेके चला जाऊं तो, राइट? सो आई विल गो एंड बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी, मैं बहुत सारी अलग कमोडिटीज परचेस कर लेता हूँ जो मैंने प्लान नहीं करके रखी है। सो दैट इज बेसिकली एक्स पोस्ट डिमांड एंड दैट इज एक्चुअल डिमांड। सो एक्स एंटे मीन्स प्लान डिमांड, एक्स पोस्ट मीन्स एक्चुअल डिमांड, फाइन एनफ बच्चा? नेक्स्ट वन इज जॉइंट डिमांड। Joint demand means demand of those particular commodity which are normally raised together. ऐसे demand है जो साथ साथ में आती है। अब बच्चों जैसे examples ले लीजिए, भैया आप car petrol, right? Bread butter, right? चाय बनाने के लिए तो चाय पत्ती और दूध, these are basically joint demand, okay? We need those particular commodity in a combination. हमें ये combination चाहिए, हमें इन commodity की demand को हमेशा से साथ साथ में raise करना पड़ता है, तो उसे कहा जाता है joint demand, the demand of those particular commodities which are to be raised together, then they are termed as joint demand. Next one is derived demand. बड़ी बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है. What is this basically derived demand? देखिए, derived demand is a demand which is derived from direct demand. Direct demand is demand of a consumer. आपकी मेरी डिमांड डायरेक्ट डिमांड है, इट्स अ डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, वी आर कंज्यूमर, वी आर द किंग ऑफ मार्केट, वी कैन डिमांड एनीथिंग. भैया मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, मुझे उड़ने वाली कार चाहिए, चाहिए तो चाहिए, दैट इज माय डायरेक्ट डिमांड. अब मेरी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर जो डिमांड करता है, टेक्नोलॉजी की डिमांड करेगा, स्टील की डिमांड करेगा, इंटीरियर की डिमांड करेगा, टायर्स की डिमांड करेगा, तो उसे कहा जाता है डिराइव्ड डिमांड. सो डिराइव्ड डिमांड इज डिमांड ऑफ प्रोड्यूसर, वेयर इज डायरेक्ट डिमांड इज डिमांड ऑफ कंज्यूमर.
डायरेक्ट डिमांड से जो डिमांड रेज होती है उसे कहा जाता है डिराइव्ड डिमांड, राइट। आगे बढ़ेंगे कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मींस एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बहुत सारी चीजों के कारण चेंज हो सकती है, या एक पर्टिकुलर कमोडिटी बहुत सारे कामों में आता है तो उसकी डिमांड को कंपोजिट डिमांड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टील, राइट। स्टील बहुत सारे काम में आता है। स्टील देखिए बिल्डिंग बनाने के काम में आएगा, स्टील गाड़ी वाड़ी बनाने के काम में आएगा, भैया एसी पंखा कूलर बनाना होगा तो भी आपको स्टील चाहिएगा। सो स्टील की डिमांड को हम कंपोजिट डिमांड बोलते हैं, क्योंकि स्टील की डिमांड किसी भी एक सेक्टर में तेजी आएगी, भैया स्टील में तेजी आ जाएगी, क्योंकि हर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे स्टील की डिमांड जरूरत होती ही होती है। तो इसलिए ऐसी कमोडिटीज को कहा जाता है कंपोजिट डिमांड। क्या कहा जाएगा इन्हें? कंपोजिट डिमांड, राइट इनफ। सो दिस वाज द सेकंड टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज टाइप्स ऑफ डिमांड। वेरी सिंपल आंसर, आपके बुक में बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा है। Doesn't matter, just give a thorough reading for the same. At the end, the moral would be that only which I'm explaining right now, right? So don't worry. Moral is same, but yes, you have to write certain amount of things in exams. क्योंकि आपके मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, आपको देखना पड़ेगा कितने मार्क का क्वेश्चन है। इफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, बुक पढ़ो मत, जो मैंने कहा लिख दो सेम टू सेम, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क में आएगा तो आपको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा, हर चीज को एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे टू मेक योर एग्जामिनर हैप्पी, राइट। एंड दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। भैया हमारे एग्जामिनर हमारे जीजाजी होते हैं, समझ के चलना, राइट। आप लोग के घर में होता है कि नहीं होता? आई बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली, राइट। इन माई फैमिली जीजाजी जब आते हैं तो हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं कि जीजाजी आ रहे हैं, राइट। पूरा घर साफ करते हैं, 10 तरीके के खाने बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, क्योंकि भैया जीजाजी आ रहे हैं, उनके लिए सजा सजा के खाना परोसा जाता है। एक बड़ी सी थाल होती है हमारे में, राइट, उसमें अलग तरीके के पकवान बना बना के डेकोरेट करके उनके सामने हम प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि भैया वो जीजाजी है। सो यहाँ पे एग्जामिनर को जीजाजी समझ रहा भैया, यस। आपको अपने पेपर को बहुत अच्छे से सजा के उनके सामने प्रेजेंट करना है कि वो खुश हो जाएगी कि क्या पेपर लिखा है भैया तूने, राइट। सो हमेशा याद रखना एग्जामिनर आपके लिए जीजाजी है, राइट ना। मैं ऑनेस्टली यही करता था, मैं खुद यही करता था, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड हमारा नेक्स्ट रहने वाला, व्हाट आर द बेसिक डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। चलिए पहले शब्द को समझते हैं कि डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या होता है। डिटरमिनेंट्स मींस फैक्टर्स, दोज आर पर्टिकुलर फैक्टर्स जो डिमांड पे किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करती है, आइदर द इन्फ्लुएंस इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट यस ऑफ कोर्स डिमांड पे फर्क पड़ेगा इन फैक्टर्स के कारण, तो उसे कहा जाता है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कुछ भी बोलो आंसर सेम रहेगा। अब हम सबको पता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है भैया प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस, बाकी सब बातें बाद में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग डिमांड इज प्राइस, मतलब 90% टाइम प्राइस चीजों की डिमांड को ऊपर नीचे करने की पूरी कैपेसिटी रखता है। अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, अचानक से डिमांड रॉकेट हो जाती है, और प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। सो प्राइस इज द फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट थिंग विच अफेक्ट्स द डिमांड, राइट इनफ। सो यस वी कैन से प्राइस इज हैविंग द फर्स्ट डायरेक्ट रिलेशन विद डिमांड, राइट। As and when price increases, demand decreases, and vice versa, price decreases, demand increases. So in short, we can say that price and demand have inverse relationship. Okay, we can say that price and demand are having inverse relationship. एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, ऑफ कोर्स दे आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप, राइट भैया। तो ये एक तरीके से हस्बैंड वाइफ है, आप समझ के चलो। वी किड्स आर वेरी लकी, पता नहीं आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। मेरे केस में मैं ऐसा प्रेजम्पशन आपको बताता हूं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फैक्ट्स, बट शायद मेरे मम्मी पापा की शादी में जब उनकी कुंडली मिलाई गई होगी, उनकी कुंडली बिल्कुल नहीं मिली होगी, बिकॉज दे आर ऑलवेज अपोजिट। बट भैया उसका फायदा मुझे मेरी जिंदगी में जितना मिला है शायद किसी को नहीं मिला होगा, बिकॉज वी हैव टू पेरेंट्स, वी आर वेरी लकी, राइट। मैं मम्मी के पास जाता हूँ, मम्मी पिकनिक जाऊं, मम्मी बोलेगी नहीं कहीं नहीं जाना है, फालतू खर्चा करता है, घर बैठा रहे चुपचाप, राइट इनफ। मैं पापा के पास गया, पापा पिकनिक जाऊं, चला जा बेटा जाना ही चाहिए, अभी तेरी उम्र है, आज मैं पापा की बात सुनूंगा, आज मेरी मन पापा की बात सुनने में है, दैट्स इट, फाइन। मैं पिकनिक चला गया, अगले दिन पापा के पास गया, पापा मोबाइल खरीदूं, पापा बोले कोई काम नहीं, क्यों चाहिए मोबाइल, यू डोंट नीड मोबाइल, नो नीड ऑफ बाइंग एनी पर्टिकुलर गैजेट्स एनी मोर, राइट। आई वेंट टू मॉम, मम्मी बर्थडे आ रहा है, मोबाइल ले लूं प्लीज, दिला दो ना यार। मम्मी बोले ठीक है ले ले बेटा, बर्थडे आ रहा है, कोई बात नहीं, गो फॉर इट। अब मेरा मन मम्मी की बात सुनने का है भैया, दे ऑलवेज दे आर इनवर्स, राइट, एंड आई एम द most beneficial out of that, right? I'm the most beneficial person from that particular thing, because always my parents are opposite, they are inverse relationship, samajh gaye? So inverse kise kaha jayega, jab ek upar hoga dusra niche hoga, means they are having inverse relationship like price and demand, theek hai? Aage badhenge, next ho gaya income of consumer,
अब नॉर्मली क्या होता है, अगर एक गुड्स नॉर्मल गुड्स होंगे राइट, तो इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ेगी इफ दे आर नॉर्मल गुड्स। खाना होगा, जो भी नॉर्मल पर्टिकुलर कमोडिटी आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, उन्हें कहा जाता है नॉर्मल गुड्स राइट, जूते कपड़े वगैरह वगैरह, ओके दीज आर नॉर्मल गुड्स फाइन। जब जब आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी डिमांड बढ़ेगी, ऑफ कोर्स करेक्ट बात है। व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड मैं कुछ पैसे नहीं कमाता था, माय फैमिली कंडीशन वाज नॉट एट ऑल गुड राइट। सो मैंने पूरे 12th स्टैंडर्ड में 2 जींस 4 टी-शर्ट में ही पूरा 12th निकाला था राइट, बिकॉज पैसे नहीं थे यार, नो वन वाज देयर टू बाय मी दोज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिव जींस और क्लोथिंग राइट। सो चल जाता था, निकल गया। बड़ा जब खूब पैसा कमा रहे हैं, सो वी कैन बाय एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटी, हम चाहें जितना पैसा उड़ा दे कपड़े खरीदने में, हमें कोई बोलने वाला नहीं है राइट। सो जब जब इनकम बढ़ती है तब तब डिमांड बढ़ती है, किस केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में। बट अगर वही इंफीरियर गुड्स होंगे तो इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड कम होगी। भैया जब जब एक आदमी ज्यादा पैसे कमाएगा, व्हाई द हेल विल ही कंज्यूम इंफीरियर गुड्स? ऑफ कोर्स नॉट, ही विल नॉट कंज्यूम इंफीरियर गुड्स, ही विल गो एंड बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटीज एंड गुड्स विच आर नॉट एट ऑल इंफीरियर, विच आर गुड इन क्वालिटी, विच आर गुड, विच आर ब्रांडेड राइट। तो वो अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहेगा। सो जब जब इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर कमोडिटी की डिमांड कम होती है। सो मैं इधर लिख देता हूँ, इनकम बढ़ने से नॉर्मल कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, बट इनकम बढ़ने से इंफीरियर कमोडिटी की डिमांड कम होगी। और सर इनएक्सपेंसिव कमोडिटी पे क्या होगा, बता सकता है कोई? चलिए पहले समझते हैं व्हाट वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर इनएक्सपेंसिव कमोडिटी। कमोडिटीज व्हिच आर वेरी वेरी चीप, जो बहुत 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 सस्ती है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट राइट। अगर हमारी फैमिली का मंथली बजट 50,000 का है, तो भैया 50,000 में नमक का खर्चा 15-20 रुपए का है, 100 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। अब सपोज ये नमक 100 का 150 भी हो गया, तो नहीं फर्क पैंदा भाई, नहीं फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता, ले लो नमक, डजंट मैटर। हमारे घर में कभी ऐसा हुआ है कि नमक सस्ता हुआ तो खाने में ज्यादा डाल दिया, और महंगा हो तो नमक कम डाला? भैया कम खाओ, नमक बहुत महंगा है। ऑफकोर्स नॉट, किसी के घर में नहीं होता, बिकॉज इट इज इनएक्सपेंसिव कमोडिटी। इस कमोडिटी को हम बोलते हैं इनएक्सपेंसिव कमोडिटी, ये कमोडिटी बहुत सस्ती होती है। तो आपकी इनकम बढ़े या आपकी इनकम गिरे, इनकी डिमांड पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए सो नेक्स्ट टॉपिक, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन एक कस्टमर का टेस्ट, एक कस्टमर का प्रेफरेंस उसकी डिमांड को बहुत 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 ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जहां टेस्ट और प्रेफरेंस आती है ना भैया, वहां पे बाकी किसी चीज का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। टेस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टिल रिमेंबर, मेरे घर से मेरा कॉलेज करीबन करीबन 20 किलोमीटर दूर था, 20 किलोमीटर दूर राइट। तो भी हम लोग रोज जाते थे, कभी बाइक लेके जाते थे, कभी ऑटो में जाते थे। और हमारी जस्ट कॉलेज के बाहर एक वड़ा पाव वाला था, ओके। वड़ा पाव इज अ वेरी फेमस डिश ऑफ मुंबई, बट हमारे गुजरात में बहुत मिलता है ये राइट। सो अब हमारे जस्ट कॉलेज के बाहर एक वड़ा पाव का एक लॉरी था, और हमें उसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद था, हम उसके टेस्ट के फैन थे। तो आप मानोगे नहीं, संडे के दिन जब कॉलेजेस बंद है भैया, देर इज नो वर्क, वी हैव नो रीजन ऑफ गोइंग टू कॉलेज, बट देन टू पूरा गैंग मिलता था, बोलते थे यार क्या करें, भूख लग रही है, बोले चलो भूख लग रही है, वड़ा पाव खाने चलते हैं। अब हम हमारे घर से 20 किलोमीटर्स दूर जाते थे एक 10 रुपए का वड़ा पाव कंज्यूम करने के लिए, आप इमेजिन करो। क्योंकि वहां पे बात आती है टेस्ट की, तो जहां बात आती है टेस्ट की, वहां पे बाकी सारे फैक्टर्स भूल जाओ भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां टेस्ट आ गया वहां पे डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगा। तो जिस चीज की टेस्ट हाई है उसकी डिमांड हाई है, जिसका टेस्ट लो है उसका डिमांड भी लो रहेगा। सो ये हो गई बात टेस्ट की। अब बात होती है प्रेफरेंस की। भैया कभी कभार किसी किसी चीज का किसी को प्रेफरेंस होता है। स्टिल रिमेंबर, मेरी फैमिली की एक बात मैं आपको बताता हूँ। मेरे मुंबई से दीदी आए थे यहाँ पे कुछ दिन गर्मियों की छुट्टियों की मैं रहने के लिए राइट। अब मैंने उन दीदी की एक छोटी सी डॉल थी, ठीक है, एक छोटी सी डॉटर थी, 3 साल की, 2-3 साल की बच्ची थी वो राइट। सो मुझे रोज सुबह आई, मैं उनका उसका रूटीन देखता था। हम थाली में खाना खाते हैं, बट वो अपना खाना एक छोटे से पिंक कलर के टिफिन बॉक्स में खाती थी। टिफिन बॉक्स के एक पार्ट में उसके लिए रोटी रख दी जाती थी, और दूसरी पार्ट में जो भी सब्जी वगैरह बनी वो उसके लिए रख दी जाती थी। और वो टिफिन में ही रोज खाना खाती थी, डेली उसको वो टिफिन में ही खाना चाहिए था। बस वो खाना उस टिफिन में सर्व होगा तो ही वो खाएगी। उसको कोई भी अच्छी अच्छी नई नई सुंदर सुंदर प्लेट ला के आप दे दो, शी विल नॉट गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग राइट। उसे वो टिफिन ही चाहिए, कलर उड़ गया भैया उस टिफिन का, देन टू वो बच्चे का दिल, उस बच्चे का मन उस टिफिन में अटका हुआ है। महीना 1.5 महीना दीदी रुके, दीदी मुंबई चले गए। बॉम्बे जाते मेरे पास ट्रेन आधे रास्ते ही पहुंचो के मेरे पास कॉल आया, मोहित कहाँ है तू? मैंने बोला बोलो दीदी, घर पे हूँ। तो बोला देख मैं श्रेया का टिफिन भूल गई हूँ, बिल्कुल भी याद रखना, बिल्कुल भी भूलना मत, यू हैव टू कूरियर दैट टिफिन टू मी राइट नाउ। मैंने बोला दीदी आर यू क्रेजी, 50 रुपए का टिफिन है, 250 रुपए कूरियर के लगेंगे, गो एंड बाय अ न्यू वन, कम ऑन, आई एम नॉट गोइंग टू कूरियर दैट टिफिन टू यू।
बट शी वॉज लाइक कि यू नो शी इज नॉट गोइंग टू ईट सिंगल सिंगल पीस राइट, एक इतना सा खाना भी नहीं खाएगी वो, यू हैव टू कुरियर दैट टिफिन टू मी राइट नाउ, अगर ये टिफिन कल सुबह तक नहीं मिला ये पूरा घर सर पे लेके बैठ जाएगी, आप मानोगे नहीं गाइज, ऑनेस्टली मैंने उसको वो टिफिन कुरियर किया राइट इनफ, बिकॉज दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर, वो उसका प्रेफरेंस था, जहां प्रेफरेंस आ जाता ना भैया वहां पे बाकी सारी कहानियां भूल जाओ, तो प्रेफरेंस है तो भैया है, बच्चे को वो टिफिन चाहिए तो चाहिए, हर आदमी के लाइफ में प्रेफरेंस होता है, वो प्रेफरेंस की कोई वैल्यू नहीं होती है, सो उस प्रेफरेंस के लिए हम कुछ भी पैसा देने को तैयार होते हैं, ये प्रेफरेंस बहुत चीजों में आप देख सकते हो, मैं मेरी मॉम के साथ, मैं आज भी यस, मैं मेरी मम्मी के साथ में शॉपिंग पे जब भी जाता हूँ, मम्मी मुझे कपड़े दिलाती है, सो मम्मी बहुत सारे कपड़े पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, वहां तक मेरा रोल नहीं होता राइट, मम्मी अपने हिसाब से शॉर्ट आउट करेगी, सब कपड़े निकाल के अपने साथ में रखती है, अब बहुत सारे कपड़े मेरे सामने रखे हुए राइट, देयर आर मेनी अमाउंट ऑफ शर्ट्स एंड टी-शर्ट्स इन फ्रंट ऑफ मी, अब मम्मी मुझे बोलेगी कौन सा पसंद करना है, यू नो आई हैव अ क्रेविंग फॉर ब्लैक कलर, मुझे ब्लैक कलर बहुत 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 ज्यादा पसंद है यार, पता नहीं मतलब खा जाओ ऐसा, आई लव ब्लैक कलर, तो मैं देखूंगा जो भी सिलेक्टेड आइटम अगर ब्लैक शर्ट होगा या ब्लैक टी शर्ट होगा, मम्मी ये दो तो डन कर दो, बाकी का देखता है आगे क्या करना है राइट, दिस इज माई प्रेफरेंस, जहां ब्लैक आता है वहां पे भैया अपना हाँ हो जाता है अपने आप राइट, सो आई लव दीज थिंग्स, दीज आर माई प्रेफरेंसेस, तो जहां प्रेफरेंसेस आते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली डिमांड ज्यादा होती है, सो दिस इज योर थर्ड वन, थर्ड डिटरमिनेंट दैट इज कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फोर्थ वन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी में दो तरह की कमोडिटी होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब वन और अदर राइट, दोनों में से एक उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स बोथ टूगेदर, देन दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स, किताबों वाले एग्जाम्पल्स दूंगा क्योंकि आप लोग को वही एग्जाम्पल समझ में आने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या होता है, आपके घर पे जब कोई गेस्ट आता है आप उसको पूछते हैं अंकल जी क्या लेंगे, चाय या कॉफी राइट, यू ऑफर हिम बोथ द बेवरेजेस बट उसको दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, वो ये नहीं बोलेगा दोनों लेके आ जा, ना 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 ना, दैट इज समथिंग इनसेन राइट, ही इज गोइंग टू सिलेक्ट वन सिंगल पर्टिकुलर कमोडिटी, देन दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, बिकॉज दीज गुड्स कैन बी इजिली सब्स्टिट्यूटेड, वो एक की जगह दूसरे को हम इजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, अब ये सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का एक दूसरे की डिमांड पे एक दूसरे के प्राइस पे बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, चलिए ये एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू करेंगे, हम बात करते हैं डिमांड ऑफ कॉफी राइट, अब बताइए डिमांड ऑफ कॉफी पे क्या फर्क आएगा अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, अगर चाय की प्राइस बढ़ जाए, चाय पत्ती की प्राइस बढ़ जाए तो कॉफी की डिमांड पे क्या फर्क आएगा, सर कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर चाय महंगी होगी तो लोग सोचेंगे भैया इतना पैसा डाल के चाय कौन पिएगा, चलो ना फिर कॉफी पीते, चाय इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है तो, सो यस जब कभी भी टी एक्सपेंसिव होगी कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, वाइस वर्सा टी सस्ती हो गई कॉफी की डिमांड गिर जाएगी, जो लोग अभी तक कॉफी कंज्यूम करते थे उनको लगेगा टी इज वेरी वेरी चीप, व्हाई टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी ऑन कॉफी, कम ऑन लेट्स गो एंड कंज्यूम टी ओनली, सो जब टी की प्राइसेस कम होगी कॉफी की डिमांड कम होगी, जब टी की प्राइसेस बढ़ेगी कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, दोज गुड्स विच गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ में आपको ऑर्डर करने पड़ते हैं, भैया अगर एक्टिवा खरीदी है तो पेट्रोल भरवाना पड़ेगा राइट, अभी आपको पता होगा अभी तो भैया एक अलग सा रिवॉल्यूशन आ गया पेट्रोल प्राइसेस में, पेट्रोल प्राइसेस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे हैव क्रॉस्ड 100, 100 का मार्क क्रॉस हो गया है, अब इसके दो अच्छे फायदे होंगे राइट, जब पेट्रोल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है रोड पे ट्रैफिक कम हो जाता है, क्यों आपके हमारे जैसे फुद्दू लोग घूमना कम हो जाते हैं, हम फालतू गेड़ी मारने नहीं निकलते हैं, बहुत स्पेसिफिक टाइम पे जाते हैं, और दूसरा पोल्यूशन इतना कम होगा, लोग ई व्हीकल को इतना ज्यादा प्रेफरेंस देने लगेंगे, भैया 100 रुपए का पेट्रोल है तो ऑटोमेटिकली ई व्हीकल को ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हर बंदा अगर कोशिश करेगा भले ले नहीं ले दैट इज सेकेंडरी मैटर राइट, पर एटलीस्ट वो एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के स्टोर में जाके इंक्वायरी जरूर करेगा कि भैया ये ई व्हीकल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और एक बार के लिए उसको कंपेयर करके कंसिडरेशन में भी लेगा ही लेगा राइट, सो दिस इज व्हाट, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात हो रही है, बट फिलहाल उनको जाने देते हैं, ठीक है पेट्रोल प्राइसेस 100 है तो है, बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर आप एक्टिवा खरीद रहे हो तो भैया पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, चलिए देखते हैं क्या होगा, अब अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो सर एक्टिवा की डिमांड कम हो जाएगी, और आज हो भी रही है, इतना महंगा है पेट्रोल कि लोग कार खरीदने से पहले सोचते हैं कि भैया पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जितना हमारी ताकत है, 100 रुपीज का गाड़ी की एवरेज 10 की होती है, मतलब आप 1 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे 10 रुपीज स्वाहा राइट, सो इसलिए पेट्रोल प्राइसेस इतने ज्यादा है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कार की डिमांड कम हो रही है, वाइस वर्सा अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी राइट इनफ बच्चा, सो यस व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ कार डिक्रीजेस, याद रहेगा सबको,
सबको याद रहना चाहिए, दिस वॉज वेरी सिंपल राइट बच्चा। यस चलिए आगे बढ़ते हैं टू आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट। हमारा फिफ्थ पॉइंट है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। ये एक्सपेक्टेशन भैया बहुत बड़ी चीज है, एक्सपेक्टेशन किल्स राइट। जहां जहां हमने उम्मीद रखी वहां वहां हमें आज तक खड्डा ही खड्डा मिला है भैया राइट। सो एक्सपेक्टेशन इज वेरी वेरी क्रूअल थिंग राइट, बट ये एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिमांड के कंसिडरेशन में। अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर की प्रेजेंट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती ही करती है, आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? आई नॉर्मली टेक माई मॉम फॉर बाइंग दोज हाउस होल्ड थिंग्स राइट, किराना विराना खरीदना होता है मैं मम्मी को लेके जाता हूँ। अब मैं उनके कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करता हूँ। देखिए हमेशा से मैं एक चीज आपको बताता हूँ, दुनिया की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑब्जर्वेशन में है। आप खाली चीजों को ऑब्जर्व करो, चीजों को स्टेयर करो, घूरो, गंदी नजरों से नहीं, अच्छी तरीके से राइट। सामने वाले को ऑकवर्ड भी नहीं लगना चाहिए, बट यस ऑब्जर्वेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जर्वेशन आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें सिखाती है। और मुझे तो जहां जहां मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ मुझे इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स दिखता है। तो मैं आपको मेरा एक ऑब्जर्वेशन और बताता हूँ, मैं जब मेरी मॉम के साथ जाता हूँ मैं नॉर्मली मेरी मॉम की और दुकानदार की कॉन्वर्सेशन को बहुत इंजॉय करता हूँ राइट। मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं, बार्गेन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सो मेरी मम्मी दुकानदार के पास जाएगी और सारे दुकानदार इतने फ्रेंडली होते हैं ना, आइए भाभी जी आइए आइए, बहुत दिन से आए नहीं, और कैसे सब घर पे सब ठीक है, क्या बात है, एकदम ऐसे लाइक दे आर गोइंग टू बी वेरी फेमिलियर विथ यू पीपल राइट। सो अब आ गए, हमने मम्मी ने बोला भाई एक काम करो मुझे 5 लीटर तेल का डब्बा दे दो। तो वो दुकानदार ने बोला भाभी जी 5 लीटर तेल का डब्बा क्यों, क्या हो गया, कोई मेहमान वेहमान आ रहे? बोला हाँ मेहमान भी आ रहे, आगे दिवाली आ रही है तो चाहिएगा तेल, तो दे दो 5 लीटर का। तो बोला भाभी जी एक बात बोलूं, अभी तेल बहुत महंगा है, अगर ज्यादा जरूरत नहीं हो ना तो अगले हफ्ते ले ले, अभी 1 लीटर ही ले लो, अगले हफ्ते कम हो जाएगा। मम्मी बोली अच्छा ऐसा है, तो ठीक है एक काम कर 1 लीटर ही दे एक बार, अगले हफ्ते लेके जाऊंगी 5 लीटर वाला डब्बा। इन शॉर्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में प्राइजेस गिरने वाले हैं, हम अभी डिमांड कम कर लेते हैं। वाइस वर्सा दुकानदार बोलेगा भाभी जी 2 डब्बे ले लो 5-5 लीटर वाले, क्यों, आगे तेल बहुत महंगा होने वाला है, आगे से आना रही है माल, माल बिल्कुल नहीं आ रहा है, बहुत महंगा होने वाला तेल। मम्मी बोली अच्छा ऐसा है, तो भैया डाल 2 डब्बे, 2 डब्बे निकाल दे। इन शॉर्ट व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, हम अभी डिमांड बढ़ा लेते हैं। चलिए मैं आपके लिए लिखूंगा, सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या कहता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, तो भैया करंट ईयर की डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और वाइस वर्सा अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस गिरने वाले हैं, तो भैया हम करंट डिमांड भी अभी फिलहाल कम कर देते हैं, हम करंट डिमांड को गिरा देते हैं। याद रहेगा सबको। नेक्स्ट वन कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, ये तो सबको पता ही है, बहुत अच्छी बात है ये। आज के जमाने में हर चीज लोन पे मिलती है। पहले के जमाने में लोगों को गुड्स खरीदने में जोर पड़ता था क्योंकि भैया पैसा रोकड़ा देना है, लोन कितना सिंपल हो जाता है। मेरे दोस्त की एक मोबाइल शॉप है, मैं वहां पे जाके जब भी बैठता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि लेबर से लेबर क्लास वाला आदमी, बहुत गरीब आदमी या बहुत ही मीडियोकर एवरेज आदमी जो 15-20 हजार की नौकरी कर रहा है, वो आदमी भी 25-30 हजार का मोबाइल फोन खरीद लेता है। क्यों, दुकानदार है भैया, बेचने में एक्सपर्ट है। दुकानदार के पास आठ बंदा आगे बोलेगा, बोले अच्छा फोन दिखा, तो दुकानदार आपको पहले सस्ते वाले फोन दिखाएगा 8,000, 9,000, 10,000, फिर अचानक से धीरे से एक फोन जेब से निकालेगा, बोले देखो नया फोन लॉन्च हुआ है 22,000 का है। आप बोलेगा यार फोन तो बढ़िया है यार, बट बहुत महंगा है भैया, मेरा बजट 10,000 का है। तो पैसे कहाँ देने, अभी पैसे नहीं देने, अभी 12 हफ्तों में भरना है, आपको क्या देने का 2,000 रुपए महीने का, उतना तो कमाई लेते हो ना, बोला 2,000 महीना तो मैं दे लूंगा। हाँ तो बस ठीक है 2,000 महीना दे दो, तुम्हारे 24 हफ्ते कर देता हूँ, या तुम्हारे 12 हफ्ते कर देता हूँ, या 10 हफ्ते कर देता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर प्राइसेस राइट। अब आपको लगेगा मुझे कौन सा अभी पैसे देने, 2,000 तो देने हैं। तो जहां आप 8,000, 10,000 का फोन खरीदने आए थे भैया, वहां आप 20,000, 22,000 का फोन खरीद लेते हो, या कभी कभार जहां आप खुद के लिए फोन लेने आए थे आपने भाई को भी साथ में फोन दिला दिया राइट। सो ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट फैसिलिटी बहुत बार डिमांड को बूस्ट करती है। तो जहां अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी होती है वहां डिमांड नॉर्मली ज्यादा होती है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी इफेक्ट, ये नॉर्मली आंटीज में, लड़कियों में ज्यादा देखने मिलेगा, बट आज की तारीख में कोई छूटा नहीं है, हम भी आपके जितने बड़े ही पापी है, हम भी वही देखते हैं कि अच्छा मेरा दोस्त आईफोन लेके आया तो भैया मुझे भी लेके आना है। अब हम में से किसी को नहीं पता, ओके ठीक है फाइन, आई एम ऑल्सो यूजर ऑफ एप्पल राइट, बट मुझे अगर कोई पूछे कि तेरे आईफोन में ऐसा तो क्या जिसके लिए तूने 1 लाख रुपए का खर्चा कर लिया, आई डोंट नो, देखा देखी सब ले रहे, ले लिया मैंने, दैट्स इट राइट। सो इन शॉर्ट ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट तो भैया अलग ही साइंस है, पता नहीं भगवान जाने ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, और क्यों हम इस पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऑनेस्टली जब भी नया आईफोन लॉन्च होता है ना, मेरे ऐसे हाथ में खुजली आती है राइट, कि भाई लाना ही लाना, लेके ही आना, कुछ भी हो जाए खरीदना ही खरीदना है।
सो दिस इज बेसिकली नथिंग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो जहाँ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वर्क करता है वहां पर डिमांड हमेशा रॉकेट ही रहती है। ठीक था आगे, ये नॉर्मली आपको शहरों में ज्यादा देखने मिलेगा, गांव वगैरह में लोग बहुत कंटेंटेड और सेटिस्फाइड होते हैं, उनमें ये सब देखा देखी की भाव नहीं होती है। बट आजकल सब जगह पहुंच गया भैया, ये हर जगह हो गया है, अत्र तत्र सर्वत्र हो चुका है आज की तारीख में। आगे बढ़ेंगे, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की साइज ज्यादा है तो भैया डिमांड ज्यादा होगी, जहां पॉपुलेशन कम है वहां डिमांड कम है। राजस्थान के किसी छोटे से गांव में जाओगे तो वहां लोग कम है तो वहां किराना उतना कम बिकता होगा। आप हमारे शहर में आओ, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो भैया किराना भी खूब बिकता है। ठीक है, तो साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में कंपोजिशन की साइज, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कौन लोग है। अगर आपके पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा है तो भैया जीन्स बिकेगी, बूढ़े ज्यादा है तो भैया पैंट बिकेगा, आंटी ज्यादा है तो साड़ियां बिकेगी, लड़कियां ज्यादा है तो जीन्स बिकेगी। इन शॉर्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पॉपुलेशन में मैक्सिमम कंपोजिशन किसका है। जैसे कि इंडिया, इंडिया यंगेस्ट स्थान है, राइट, इट्स ए यंगेस्ट नेशन। सो हमारे यहाँ पे हमारी करीबन करीबन 55 से 60% आबादी यंग लोगों की है, जवान लोगों की है। सो इसलिए हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटीज बहुत बिकती है, हमारे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अलग ही रॉकेट पे चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब यंग ब्लड है, फाइन इनफ। सो इसलिए आपको देखना पड़ेगा आपका कंपोजिशन क्या है, उसके हिसाब से मार्केट के डिमांड पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये भी देखो भैया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर आपकी इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा तो मोस्टली डिमांड कम होती है, क्योंकि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट काम नहीं आता है। पर अगर आपके यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो भैया लग्जरियस कमोडिटी खूब बिकेगी, लाइक कंट्री लाइक इंडिया। हमारे यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अलग ही लेवल पे है, हमारी कंट्री के 5% अमीर 25% वेल्थ कमाते हैं और 25% गरीब 5% वेल्थ कमाते हैं। तो आप समझ सकते हो हमारे यहाँ पे कितना ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी है, और उसके कारण हमारे यहाँ पे महंगी महंगी ब्रांडेड गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरियस कमोडिटीज खूब बिकती है, क्योंकि जो इतने पैसे वाले लोग हैं उनको गरीब होने का डर ही नहीं है, तो लग्जरियस कमोडिटी खूब बिकेगी। वाइसा वर्सा उस नेशन में जहाँ पे सबके इनकम बराबर है, वहाँ पे लग्जरियस कमोडिटी एक लेवल तक बिकती है, क्योंकि हर दूसरा आदमी गुड्स खरीदने से पहले सोचेगा कि अगर मैंने मेरे पैसे इन लग्जरियस कमोडिटी में डाल दिए तो मैं मेरे सामने वाले से गरीब हो जाऊंगा, क्योंकि भैया सबकी इनकम मोस्टली सेम है। सो ऐसा नॉर्मली देखा गया है, बट यस इसके बहुत सारे एक्सेप्शन होते ही होते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं एक बार मनाली गया था, तो जब मैं मनाली गया था मुझे मेरे सारे दोस्तों ने कहा था कि भैया ध्यान रखना मनाली में बहुत ठंड होती है, तो प्लीज टेक स्वेटर जैकेट्स एवरीथिंग। सो अब हम रहते हैं सूरत गुजरात में, राइट, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर हमने कभी ठंडी जैसा फील ही नहीं किया, मतलब हमारे यहाँ पे कभी कोई 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री वाला टेम्परेचर कभी आता ही नहीं है, बहुत ही माइल्ड क्लाइमेट जैसा होता है। सो हम विंटर में भी जैकेट वैकेट नहीं पहनते हैं, स्वेटर वेटर नहीं पहनते हैं। ठीक है, सुबह सुबह निकलोगे तो आप थोड़ा सा ओवरकोट जैसा कुछ डालोगे, इट्स डन। पूरा दिन हम कभी स्वेटर जैकेट पहन के रहते ही नहीं है, स्कूल में नहीं रहते तभी क्या रहेंगे। अब हमारे जैसे बंदे को कहा गया कि भैया ठंड बहुत होती है तो हम क्या करेंगे, भैया एक की जगह हम 2 स्वेटर ले लेंगे, 2 जैकेट्स ले लेंगे, हो गया हमारा काम। हम मनाली स्टेशन पहुंचे, और जैसे मनाली स्टेशन पहुंचे हम ट्रेन से नीचे उतरने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, इतनी ठंड की पूछो मत। हमारा ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है, हम जल्दी से जाके इनोवा के अंदर बैठ गए। हमने उस ड्राइवर को बोला भैया हीटर चालू कर, गुजर जाएंगे हम लोग, राइट, वी वर जस्ट फ्रेंड्स, ओके। सो इतनी ठंड। अब वो ड्राइवर बोल रहा है साहब लोग आप लोग गर्म कपड़े नहीं लाए, पहनो स्वेटर पहनो जैकेट पहनो। हमने बोला भैया पहन लिया, हमको थोड़ी पता है। बोला ये थोड़ी कोई स्वेटर जैकेट होता है, यहाँ पे ये वाला नहीं चलेगा, आपको नए खरीदने पड़ेंगे। हम आप मानोगे नहीं, हम होटल जाने की वजह उसको बोला तू पहले मार्केट ले, जहां ये मिलेगा जैकेट पहले जैकेट दिला। हम वहां के सबसे फेमस बड़े मार्केट में चले गए और दुकान में घुसते सबने एक एक जैकेट तो पहले पहन ही लिया, भैया एक एक जैकेट तो पहन लो फिर आगे सामान देखते हैं क्या लेना क्या नहीं लेना है। जैकेट पहनी, जान में जान आई है सर। अब आप मानोगे हमारे जैसा मारवाड़ी आदमी वहां बार्गेन नहीं कर रहा है, भैया ये वाला दे दे ये सबसे गर्म है, कितने का, 4,000 का ले पकड़, 4,000 आगे बढ़, राइट, क्योंकि आप बार्गेन नहीं कर सकते। जहां क्लाइमेटिक फैक्टर आ जाता है वहां पर डिमांड रॉकेट होती है, आपको मजबूरन ठंड के कपड़े खरीदने ही पड़ेंगे, अगर आप लेके नहीं गए हो वहां पे आपको पहनने ही पड़ेंगे, क्योंकि भैया जान से ज्यादा जरूरी दुनिया में कुछ नहीं है, राइट। सो क्लाइमेटिक फैक्टर जहां आता है वहां पे डिमांड हमेशा पीक पे होते हैं। एंड द लास्ट वन, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर हैविंग ग्रेट अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस इन इफेक्टिंग डिमांड। गांधी जयंती के दिन कहा गया भैया आज के दिन जो भी कॉटन कपड़ा बिकेगा सब पे सरकार 20% सब्सिडी देगी, तो भैया उस दिन कॉटन की सेल में ओहो जोरदार इजाफा हो जाता है, सेल आर सुपर हाई। सो दीज आर बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट कैन मेक एनीथिंग एक्सपेंसिव, कैन मेक एनीथिंग चीप, कैन इम्पोज टैक्स एंड मेक थिंग्स एक्सपेंसिव, कैन गिव सब्सिडीज एंड मेक थिंग चीप, राइट। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज आर ग्रेट अमाउंट ऑफ वेपन विच कैन इन्फ्लुएंस डिमांड। सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम्स गवर्नमेंट
motivates those particular person who are creating those particular goods which creates less amount of pollution or which are very eco-friendly. So उन लोगों के डिमांड को गवर्नमेंट बूस्ट करने के लिए उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है. वाइसा वर्सा सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट इम्पोजेस हैवी टैक्सेस ऑन सम कमोडिटीज जो गवर्नमेंट चाहती नहीं कि आप खरीदो, राइट? सो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली सरकार कम करने की कोशिश करती है. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जिससे गवर्नमेंट आपकी डिमांड पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है. सो बच्चा हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा हमारा एक छोटा सा सिंपल सा चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर एंड दैट इज ऑल अबाउट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. सो आई एम डैम श्योर आपको अभी तक मजा आ रहा होगा. हमने करीबन करीबन एक चैप्टर का 40% पार्ट कर दिया है, आगे का अभी भी 50-60% पार्ट बचा है, बट थोड़ा सा आज टाइम ज्यादा हो गया है. यस वी हैव ऑलरेडी गिवन ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम. सो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा एकदम डिटेल में वापस से. तब तक आपका काम रहेगा इस वीडियो को हमेशा देखते रहिए, लर्न करते रहिए साथ साथ में, और कोशिश कीजिए कि आप इकोनॉमिक्स को उतना ही अच्छे से उतना ही शिद्दत से पढ़े जितना शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, राइट बच्चा? सो यस वापस से मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. इस पर्टिकुलर चैप्टर का कंटिन्यूड सेकंड पार्ट निकालूंगा मैं, जिसमें मैं मोस्टली इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा. तब तक के लिए बाय बाय. वीडियो पसंद आया तो जरूर से शेयर कीजिएगा.